हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की एक बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में कि कैसे आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस बिना उसकी व्यू लिस्ट में आए हुए देख सकते हैं, यानी कि आप उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देख भी लें और उसको पता भी ना चले। और इस सेटिंग से आप किसी के मैसेज को भी बिना उसके फ़ोन में ब्लू टिक हुए देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई मैसेज करता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप उसके मैसेज को देखते हैं तो उसके फ़ोन में ब्लू टिक आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि आपने उसके मैसेज को देखा हुआ है। लेकिन इस सेटिंग के बाद अगर आप किसी के मैसेज को देखते हैं तो उसके बाद उसके फ़ोन में वह ब्लू टिक शो नहीं होगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को देखा है या नहीं। तो इस कमाल की सेटिंग को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है और WhatsApp ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, तो आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से अकाउंट्स पर जाना है और अकाउंट्स पर जाने के बाद यहां पर आपको प्राइवेसी ऑप्शन चूज करना है और प्राइवेसी ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर एक रीड रिसिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहां पर आपका रीड रिसिप्ट ऑन होगा तो आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है। और रीड रिसिप्ट ऑफ करने के बाद अब यहां से आपकी सेटिंग ऑन हो चुकी है और अब आप अगर किसी का भी मैसेज देखते हैं या फिर WhatsApp स्टेटस देखते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके WhatsApp स्टेटस को सीन किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सपोज़ यहां पर दो WhatsApp हैं, तो मैं ये वाला ओपन करता हूं और यहां पर मैं एक स्टेटस अपडेट कर देता हूं। तो जैसे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे स्टेटस अपडेट हो गया है। और अब चलते हैं अपने दूसरे व्हाट्सएप में, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटस आ चुका है। तो अब जैसे ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीड रिसिप्ट अपना ऑफ किया हुआ है, तो अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो जैसे मैंने तो यहाँ पर ये स्टेटस देख लिया है, लेकिन अब जैसे अपने दूसरे स्टेटस में चलते हैं, दूसरे व्हाट्सएप पर चलते हैं, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्यू लिस्ट में कोई भी व्यू नहीं आया हुआ है, यानी कि अब आपने वहाँ से अगर वो स्टेटस देख भी लिया तो यहाँ पर शो नहीं करेगा कि आपने स्टेटस देखा हुआ है या फिर नहीं। और चलिए मैं एक मैसेज को भी करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ, हेलो गुड मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पर दूसरे WhatsApp में मैसेज आ चुका है। और अब मैं इसको अगर सीन भी करूँगा तो वहाँ पर ब्लू टिक शो नहीं होगा। तो जैसे देखिए मैंने ये स्टेटस ये मैसेज देख लिया है, तो अब मैं चलता हूँ दूसरे WhatsApp में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी ब्लू टिक शो नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से बिना किसी को पता चले हुए उसके मैसेज को या फिर WhatsApp स्टेटस को आसानी से देख सकते हैं। सो वेल गाइज, आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ नॉलेजबल वीडियोस एंड ट्रिक वीडियोस फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस फर्स्ट। तो चलिए गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।